नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे इसमें धातु से संबंधित महत्वपूर्ण संकेत और सूक्ष्मापी यंत्र हैं उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हीट ट्रीटमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आज आपको। तो शुरू करते हैं। पहला हम शुरू करेंगे धातु से संबंधित जो है हमारे कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं। पहला जो है, जिस पदार्थ का कोई निश्चित भार, रंग और स्ट्रक्चर होता है उसे धातु कहते हैं। फ्यूजिबिलिटी एक होती है धातु का भौतिक गुण, वो भौतिक गुण की श्रेणी में आती है। जो फ्यूजिबिलिटी है वो धातु के भौतिक गुण की श्रेणी में अंतर में आती है, और जिसमें क्या होता है, धातु पर हीट देने से जो है वो पिघल जाती है। और ये जो हमारा गुण जो होता है फ्यूजिबिलिटी, ये कास्टिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है इलास्टिसिटी, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थता, धातु के यांत्रिक गुण की श्रेणी में आती है। जिसमें क्या होता है, जो हमारी इलास्टिसिटी है धातु के मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या धातु पर जो लोड देते हैं तो वो झुक जाती है, और लोड हटाने पर वो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाती है। चौथा पॉइंट है वह धातु जिसमें लोहा हो, मतलब अगर लोहा आधार हो तो उसे हम कहते हैं फेरस मेटल, फेरस धातु कहते हैं। पाँचवा पॉइंट है दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है, हमारा नॉन फेरस एलॉय बनता है, नॉन फेरस मिश्र धातु बनती है। छठा पॉइंट है धातु में मेलिबिलिटी यानी कि कुट्टायता का गुण होने से उसे पतली सीटों के रूप में बनाया जा सकता है। ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत या पॉइंट जो हैं, सम इम्पॉर्टेंट हिंट्स रिलेटेड टू हीट ट्रीटमेंट। पहला इसमें क्या है, लो कार्बन स्टील के पार्ट्स की सरफेस को हार्ड करने के लिए क्या हम करते हैं, केस हार्डनिंग। यानी कि हमें कह सकते हैं कि केस हार्डनिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लो कार्बन स्टील के पार्ट की सरफेस को हार्ड करना होता है। दूसरा पॉइंट है एनीलिंग, एनीलिंग में धातु के पार्ट को उसके अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के बाद धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो दोस्तों उसे हम एनीलिंग कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है टेम्परिंग, टेम्परिंग दोस्तों क्या होता है कि टेम्परिंग में धातु के पार्ट्स पर जो है हमारी टफनेस बढ़ाई जाती है और ब्रिटलनेस कम करते हैं। चौथा पॉइंट है हार्डनिंग के लिए जो है पार्ट को आस्टेनाइट अवस्था तक गर्म करने पर तुरंत ठंडा किया जाता है। पांचवा पॉइंट है रिफाइंड स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। छठा पॉइंट है स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर उसमें जो है कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। और सातवां पॉइंट इसका है नॉर्मल एनील्ड का अभिप्राय है कि कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन हो चुका है। आठवां पॉइंट है हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनेस को प्रायः जो हमारे हार्डनेस होती है वो 60 HRC होती है, और इसे 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टेम्पर करते हैं। नौवां पॉइंट है गियर और शाफ्ट पर फ्लेम हार्डनिंग करने से उसकी बाहरी सरफेस हार्ड हो जाती है तथा कोर सॉफ्ट रहता है, जो हमारी कोर है यानी कि भीतरी पार्ट है वो मुलायम रहता है और बाहरी सरफेस हार्ड हो जाती है। दसवां पॉइंट है हार्ड किए हुए स्टील के पार्ट का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, फाइन होता है। ग्यारहवां पॉइंट देखिए अपर्याप्त क्विंचिंग के कारण तापमान और कार्बन की मात्रा होते हुए भी जॉब पर क्रेक आ सकते हैं। 12वां पॉइंट है हीट ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य कुछ निश्चित गुणों को उत्पन्न करना है। दोस्तों ये आपके हीट ट्रीटमेंट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, वो हो गए। अब हम शुरू करते हैं सूक्ष्म मापी यंत्रों से संबंधित जो हमारे पॉइंट हैं वो। पहला है माइक्रोमीटर एक परिशुद्ध माप लेने वाला प्रत्यक्ष मापी एवं चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा पॉइंट है मीट्रिक आउटसाइड इनसाइड डेप्थ और स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट जो होता है हमारा वो होता है 0.01 मिलीमीटर। तीसरा पॉइंट है हमारा माइक्रोमीटर जो होता है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। चौथा पॉइंट है माइक्रोमीटर के रैचेट स्टाफ से, जो हमारा रैचेट स्टाफ होता है माइक्रोमीटर में, उससे हम यूनिफॉर्म प्रेशर लगाकर और परिशुद्ध माप ले सकते हैं। पांचवा पॉइंट है यदि आउटसाइड माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल के मेजरिंग फेस परस्पर संपर्क में हों
और थिम्बल का जीरो डेटम लाइन तक ना पहुंच पाए तो माइक्रोमीटर में कैसा एरर होगा? पॉजिटिव एरर होगा। और यदि थिम्बल का जीरो जो है डेटम लाइन के आगे बढ़ जाता है तो वो नेगेटिव एरर होगा। अगला छठा है पॉइंट, डेप्थ माइक्रोमीटर में रीडिंग ऊपर से आरंभ होकर बेस या फ्रेम की ओर बढ़ती है। और सातवां पॉइंट है, डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है और कॉम्बी माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.001 मिलीमीटर होती है। आठवां पॉइंट है, डायल कैलिपर की लीस्ट काउंट जो होती है प्रायः कितनी होती है? 0.02 मिलीमीटर। नौवां पॉइंट है, यदि माइक्रोमीटर गलत रीडिंग देता है तो उसके रीजन निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेस और जाप की माप लेने वाली साइडें साफ ना हो, और दूसरा जो होता है थिम्बल अधिक प्रेशर चलाया जाए या जीरो एरर की सेटिंग सही ना हो। दसवां पॉइंट है कि माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला भाग लाभ क्या होता है? वर्नियर कैलिपर से अधिक रेंज में आउटसाइड इनसाइड स्टेप तथा गहराई की मापी व चेक की जा सकती हैं। दूसरा क्या हमारा है, माप लेने में आसानी होती है क्योंकि इसका लेवल एक ही जा में पूरी लंबाई तक स्लाइड करता है। 11वां पॉइंट देखो, वर्नियर कैलिपर पर वर्नियर डिवीजन की संख्या निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र क्या? वर्नियर डिवीजन की संख्या बराबर मेन स्केल के सबसे छोटे खाने का मान बटे लीस्ट काउंट, या ये हम कह सकते हैं कि मेन स्केल के एक खाने का मान और बटे जो हमारी लीस्ट काउंट होती है। 12वां पॉइंट है, घिसावट से बचने के लिए अधिकतर माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेसों पर टंगस्टन कार्बाइड के जो है टिप लगाई जाती है ताकि हमारे घिसे ना। 13वां पॉइंट है, किसी इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण आने वाली त्रुटि को कॉन्टैक्ट इरर कहते हैं, कॉन्टैक्ट त्रुटि कहते हैं। और 14वां पॉइंट है, सिलेंड्रिकल शाफ्ट को चेक करते समय यदि अंडाकार आकृति दिखाई देती है तो उसे माइक्रो ज्यामिति त्रुटि कहते हैं। दोस्तों ये हमारे थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।